रियो में इतिहास रचकर पीवी सिंधु अपने कोच पुलेला गोपीचंद के साथ घर लौट आई हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सिंधु का शानदार स्वागत हुआ और डबल डेकर बस में विजय जुलूस निकाला गया। रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर सिंधु ने देश का नाम रोशन किया है और देशवासियों का दिल जीता है। रियो के समापन के बाद जब पीवी सिंधु अपने कोच गोपीचंद के साथ अपने घर लौटी तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के उच्च अधिकारी सिंधु का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे थे, यहां उन पर फूलों की बारिश की गई। सिंधु की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग कतार में खड़े रहे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट से हैदराबाद स्टेडियम के बीच का रूट डायवर्ट किया। स्टेडियम में सिंधु के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेलंगाना सरकार ने सिंधु के लिए 5 करोड़ रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है और उन्हें गाचीबाउली में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी के निकट 1,000 वर्ग गज का प्लॉट भी देने का ऐलान किया है। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि अगर सिंधु इच्छुक हो तो उनको उचित सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। देश को जिसने इतना बड़ा गौरव दिलाया वो शानदार स्वागत का हकदार तो है ही। देखते रहिए डीपी लाइव।